प्रदेश सरकार बिरसा मुंडा हितग्राही योजना के तहत आदिवासी समाज के लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने की कवायद में जुटी हुई है और इसी के तहत मंगलवार को इंदौर जिले में एक हितग्राही को योजना का लाभ दिया गया। कलेक्टर ने हितग्राही को रिक्शा वितरित किया। इसी पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। प्रदेश के आदिवासी समुदाय को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बिरसा मुंडा हितग्राही योजना प्रारंभ की गई। इस योजना के तहत इंदौर जिले में भी कई लोगों ने आवेदन दिया था। आवेदन की जांच के बाद जिला प्रशासन ने हितग्राहियों को योजना का लाभ देना प्रारंभ कर दिया। मंगलवार को कलेक्टर इलैया राजा टी ने एक हितग्राही को रिक्शा वितरित किया। सर बहुत अच्छा लग रहा है इस योजना का लाभ लेकर, मुझे रोजगार प्राप्त हुआ है और मैं मतलब इस योजना का अच्छे से लाभ उठाऊंगा। जी जी, और जो भी मेरे पहचान में जो भी है उन्हें सभी को मतलब उसके इस योजना के बारे में जानकारी दूंगा। सर ये मैंने नवंबर में किया था, ये दिसंबर में किया था। जी जी, मेरा नाम सरदार बाबनिया है सर। भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना के तहत व्यावसायिक गतिविधियों के लिए 1 लाख से 25 लाख रुपये तक की योजनाओं को मंजूरी दी जाएगी। डेफिनेटली ये भवन ना बिरसा मुंडा योजना के अंतर्गत है ना आर्थिक है ना सब्सिडी के साथ है ना लोन के लिए योजना है, न्यू स्कीम है, मतलब है ना काफ़ी लोग इसको है ना फ़ायदा उठा रहे हैं। आज भी है ना उनकी अपना रोजगार के लिए मतलब ऑटो है ना किसी ने परचेज़ किया है उसका लाभ है ना। डेफिनेटली हम लगातार हम जनसुनवाई में ऐसे मैटर्स हमारे सामने आ रहा है किनका है ना हम उनको आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए कितने भी प्रयास होना है उसके लेकर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। बीच में भी हम लोग ने एक है ना ऐसे 100 दिव्यांगों को है ना स्कूटी वितरण के ना रखा है, उसका ना सिर्फ है ना उसको मोबिलिटी को है ना आसान करेगा उसके साथ साथ है ना उनको इधर हायर एजुकेशन या फिर अपना स्किल को अपग्रेड करने के लिए या फिर अपना रोजगार को है ना आगे बढ़ाने के लिए डेफिनेटली ये मदद में आएगा। तो आपके माध्यम से लोगों से मैं अपील भी करता हूँ कि आप इस प्रशासन के इस अभियान में शामिल होना चाहते हैं डेफिनेटली है ना आप रेड क्रॉस में इस अमाउंट जमा कर सकते हैं। इनकम टैक्स एग्जम्पशन भी है, उसका सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा और आर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड है उनको है ना हम लोग है ना मोबिलिटी को आसान कराने के ना दिशा में ना इस काम को और आगे बढ़ा सकते हैं। सर एक इस योजना का लाभ लेने वाले परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस योजना के लिए 50% अनुसूचित जनजाति आवेदन कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।